हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त ऋत्विक और स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो हमने काफी टाइम पहले शूट किया था, जब भी हम लोग क्राबी और फुगेट की ट्रिप पे गए थे तभी। लेकिन ये जो वीडियो है वो एडिट और अपलोड करना रह गया था, तो आज जो है वो मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं। अगर आपने हमारे क्राबी और फुगेट वाले पुराने वीडियो नहीं देखे तो उसकी लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां पर जाके पहले वो वाले वीडियो देखिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा। तो चलिए ये वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमने जो है वो फिफी आइलैंड के साथ साथ तो फोर आइलैंड की ट्रिप प्लान की है। तो अभी हम लोग होटल के बाहर अपनी कार का वेट कर रहे थे, जिससे हमने बुकिंग किया है उसकी कार हमको पिकअप करने आने वाली है, तो थोड़ी देर में वो आ रही होगी। तो जैसे ही कार आती है हम लोग निकलते हैं फोर आइलैंड ट्रिप पे। होटल से पिकअप करने के बाद वैन हमको यहाँ पे पोर्ट पे लेके आया है। यहाँ पे आप देख सकते हो सामने जो इंस्ट्रक्टर खड़ी है वो हमको स्नॉर्कलिंग का इंस्ट्रक्शन दे रही है। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। ये आज की हमारी बोट है, तो आज का पूरा दिन हम लोग यही बोट में रहेंगे और फोर आइलैंड की ट्रिप करेंगे। अभी हम लोग आ गए हमारे ट्रिप के सबसे पहले आइलैंड पे, और यहाँ पे हम लोग करेंगे स्नॉर्कलिंग। यहाँ पे स्नॉर्कलिंग करने के लिए जितने भी इक्विपमेंट चाहिए वो सारे यहाँ पे ये लोग ही प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपको तैरना नहीं आता तो भी आप स्नॉर्कलिंग कर सकते हो, ऐसा नहीं कि जिसको तैरना आता है वही स्नॉर्कलिंग कर सकता है, जिसको तैरना नहीं आता वो भी स्नॉर्कलिंग कर सकता है। यहाँ पे वो लोग लाइफ जैकेट पहनाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे डूबने का खतरा नहीं रहता। वरना तेरे को डर नहीं लगता? नहीं। अभी हम लोग आ गए थाईलैंड के सबसे फेमस आइलैंड फिफी ले लगुन पे, और यहाँ पे हमारी बोट चेंज करके हमको एक लॉन्ग टेल बोट में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो स्पीड बोट अलाउड नहीं है, तो वो लोग स्पीड बोट में से सबको जो है वो लॉन्ग टेल बोट में शिफ्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग आ गए फिफी डॉन आइलैंड पे, और आज का हमारा लंच यहाँ पे फिफी डॉन आइलैंड पे ही होगा। तो चलिए लंच का मजा उठाते हैं। लंच वगैरह हो गया है और अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे थर्ड आइलैंड की विजिट पे, जो कि है मंकी आइलैंड। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये मंकी आइलैंड है, लेकिन आप यहाँ पे बाहर की साइड देख सकते हो एक भी मंकी नजर नहीं आ रहा है। और उस टाइम कोविड का टाइम चल रहा था, तो यहाँ पे हमको अंदर भी लेके नहीं जा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे उतरना अलाउ नहीं था। अगर हम लोग यहाँ से उतर के अंदर जाते तो यहाँ पे शायद मंकी दिख जाते, लेकिन बाहर की साइड आप देख सकते हो यहाँ पे एक भी मंकी नजर नहीं आ रहा है। गजब बेइज्जती है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए आज के ट्रिप के सबसे लास्ट वाले आइलैंड पे, जिसका नाम है खाइनाई आइलैंड। और ये आइलैंड थाईलैंड का वन ऑफ द ब्यूटीफुल आइलैंड है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ का। यहाँ का वाटर भी आप देख सकते हो कितना क्रिस्टल क्लियर वाटर है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल और डिफरेंट डिफरेंट शेप के पत्थर और शेल्स है।
आज की पूरी ट्रिप में हम लोग काफी थक गए थे, तो हमने सोचा क्यों ना थाई मसाज करवाया जाए। तो अभी हम लोग आ गए यहाँ पे थाई मसाज करवाने के लिए। यहाँ पे आप देखो ये मैडम के नसीब में कितनी अच्छी लड़कियां हैं, और मेरे नसीब में देखो ये मोटियां हैं, ये तो आज मुझे पूरा निचोड़ने वाली है। अरे पूरा ऊपर चढ़ गई क्या? अरे यार ओह, अरे वो दुख रहा है।